अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। कैसे हैं आप सब? तो आपको याद होगा कि एक डेढ़ महीने पहले मैंने एक वीडियो डाली थी, अल्टरनेटिव स्टाइल्स फॉर शॉमी पैड 5 एंड शॉमी पैड 6। उसमें मैंने जो रिव्यू किया था वो शॉमी पैड 5 पर किया था, पर मैंने आपको ये बताया था कि ये स्टाइल्स आपके शॉमी पैड 6 पे भी वर्क करेगा। बट बहुत सारों के मेरे को ये कमेंट्स आए कि आप ये वाले जो स्टाइल्स है हमारे शॉमी पैड 6 पे वर्क नहीं कर रहा। तो आज आपके लिए ही मैं शॉमी पैड 6 अपने फ्रेंड का लेके आया हूँ और इस पे आज रिव्यू करूंगा कि जो मैंने पेंसिल आपको लास्ट टाइम दिखाई थी वो इस पे वर्क करती है या नहीं करती है। सो वीडियो को एंड तक जरूर देखना और सब्सक्राइब करना ना भूलना। सो लेट्स बिगिन। तो मेरे राइट साइड पे अभी शाओमी पैड 5 है और मेरे लेफ्ट साइड पे जैसे कि आप देख सकते हो शाओमी पैड 6 है। सो लेट्स बिगिन। लुक गाइस, दिस इज द स्टाइल दैट आई यूज्ड इन माय लास्ट वीडियो फॉर रिव्यूइंग ऑन शाओमी पैड 5, एंड टुडे आई एम गोना बी यूजिंग द सेम स्टाइलस फॉर रिव्यूइंग इट ऑन Xiaomi Pad 6 and also on Xiaomi Pad 5. So let's begin. So this is the stylus from Dry Mocchini. It's called P3 Pro. So first of all, बिना gloves के use करेंगे तो सबसे पहले अगर आप use कर रहे हो MI Notes app जो मैंने अभी open कर रखी है दोनों tabs पे, तो उसमें आपको क्या करना होगा, ये थ्री डॉट्स पे क्लिक करके ये जो ड्रॉ विद फिंगर्स का ऑप्शन है इसको ऑन कर देना है, तब जाके ये स्टाइलस जो है आपका वर्क करेगा। तो ये मैं दोनों पे ऑन कर देता हूँ। तो अगर सबसे पहले हम लोग शाओमी पैड 6 पे आपको लिख के बता देता हूँ कि वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा। सो लेट्स बिगिन। जैसे कि आप देख रहे हो कि यहाँ पे काफ़ी स्मूथली चल रहा है, हम कुछ ड्रॉ भी करते हैं लाइक स्टार बनाता तो तब भी ये इजीली हो रहा है सर्कल। तो जैसा कि आपने देखा कि काफी इजीली MI नोट्स की जो ऐप है उस पर काफी इजीली वर्क हो रहा है। सेम चीज मैं आपको शाओमी पैड 5 पर भी करके बता देता हूँ। तो ये शाओमी पैड 5 है, यहाँ से हम इससे कलर सेलेक्ट कर लेता हूँ। सो लुक इस पर भी एकदम स्मूथली वर्क कर रहा है, ठीक है। तो ये थी पहली ऐप जिसमें मैंने आपको दिखाया। अब मेरे पास दो और ऐप्स हैं, एक जे नोट्स एक ऐप है एंड दूसरी है टच नोट्स, जो कि मैं अपने पर्सनल नोट्स के लिए यूज करता हूँ। सो लोग, ये जो अभी ऐप मैंने ओपन करी है ये जे नोट्स की ऐप है, एंड यहाँ से आपको पेन सेलेक्ट कर लेना एंड देन फिर आप लिखना चालू कर सकते हो। अभी मैं सही से लिख नहीं पा रहा हूँ क्योंकि मेरा हाथ जो है स्क्रीन से ऊपर है, मैं स्क्रीन को टच अगर करूँगा तो ये लिखना बंद कर देगा, क्योंकि हमारे वहाँ पे ऑलरेडी एक टच हो चुका है, ठीक है। जैसे मैं स्क्रीन से अपना हाथ थोड़ा सा ऊपर करूँगा तो ये लिखना चालू कर देगी, क्योंकि ये जो पेंसिल है इसमें आपको पाम रिजेक्शन डायरेक्ट नहीं मिलती है, उसके लिए आपको इसके साथ एक ग्लव्स आता है जो मैं थोड़ी देर में आपको दिखाता हूँ। तो पाम रिजेक्शन तब वर्क करेगी जब आप ग्लव्स पहनोगे। एंड वन मोर ऐप जिसमें आपको दिखा देता हूँ, ये टच नोट्स ऐप है। ये टच नोट्स की ऐप ओपन करिए, देखो इसमें भी आपको क्या करना है, ये वाला यहाँ पे आपको सेटिंग्स में जाना है। ये स्टाइलस पेन मोड है, ये इसका जो ओरिजिनल स्टाइलस है ये उसके लिए, इसको अगर आप ऑफ करोगे तब ये काम करेगी वरना नहीं करेगी। सो ये अभी मैंने ऑफ कर दिया। इसमें मैं जो मैं अपने पर्सनल नोट्स के लिए यूज़ करता हूँ तो इसमें मैं आपको दिखा देता हूँ, इस पर भी लिख के, ठीक है। तो जैसा कि आप देख पा रहे हो कि यहाँ पर भी काफ़ी इजीली और काफ़ी स्मूथली वर्क कर रही है, ठीक है, कोई लैग वैग नहीं आता इसमें। और अगर कभी आपको लगे ना जो कि आपको लेकिन तो हल्का सा लैग आ रहा है, तो ये जो उसका बैक साइड ये जो कैमरा है ना यहाँ पे, तो यहाँ पे आपको अपनी एक फिंगर प्लेस कर देनी है तो ये वर्क बहुत ही अच्छे से वर्क कर रही है। फिर वो भी कभी कभार अगर कभी आपको लगे तो ये देखो, ठीक है। तो सेम चीज आपको मैं अभी शाओमी पैड 5 पर भी करके बता देता हूँ। ये देखो ये शाओमी पैड 5 ओपन कर लिया, ये टच नोट्स की ऐप है जो मैंने अभी ओपन कर रखी है, इसमें मैं आपको लेके बता देता हूँ। तो अगर मैं एकदम छोटा छोटा लिखना चालू करूंगा ना तो थोड़ी सी मुश्किल हो जाती है, तो लिख नहीं पाऊंगा मैं सही से, पर अगर थोड़ा सा बड़ा लिखूंगा तो काफी इजीली लिख पा रहा हूँ। तो ये था अभी तक
हमने ग्लव्स नहीं पहना, विदाउट पॉम रिजेक्शन अभी तक आपने देखा कि काफ़ी इजीली और काफ़ी स्मूथली वर्क हो रहा। तो अभी हम लोग ये जो ग्लव्स इसके साथ ही आया था ये पहन लेते हैं, फिर पॉम रिजेक्शन हमारी वर्क करेगी। लेट्स सी, पहले Xiaomi Pad 6 पे देख लेते हैं। ये भी हमारे पास Xiaomi Pad 6 है। तो ये देखो अभी मैंने अपना जो हैंड है वो इसके ऊपर प्लेस कर दिया और मैं अभी अब लिखने जा रहा हूँ इस पर। तो अभी आप देख रहे होंगे तो मैं काफी इजीली इस पर लिख पा रहा हूँ। तो जो इसका एकदम ओरिजिनल वाला स्टाइलस है ना, तो ये उसकी तरह तो बिल्कुल वर्क नहीं करेगी, आप बिल्कुल मत सोचना, ठीक है। पर ये नॉर्मल यूज़ के लिए, क्योंकि आपको ये पड़ जाएगी आई थिंक अबाउट 1300 to 1500 में, तो उस हिसाब से ये काफ़ी सही है, यानी कि इतने पैसों में वर्थ इट है, ठीक है। तो देखो आपने पाम रिजेक्शन वर्क कर रही है, अभी मैं यही सेम चीज़ आपको जो एम आई नोट्स किया है उसमें करके बता देता हूँ। तो देखो यहाँ पर भी काफी स्मूथली वर्क कर रही है। अगर हम कुछ थोड़ा मोड ड्रॉ करके देखते हैं तो यहाँ पर भी ड्रॉ हल्का फुल्का हो जाता है, ठीक है। तो एकदम अच्छे से ड्रॉ नहीं हुआ। सो सेम चीज़ मैं अभी आपको इस पर भी करके बता देता हूँ, Xiaomi Pad 5 पर। तो ये जो है अभी हम इस पर भी एम आई नोट्स की ऐप को ओपन कर लेते हैं, हैंड हमने यहाँ पे प्लेस कर लिया और हम इस पर भी लिखने जाते हैं। और मेरे वाले इन दोनों पैड्स पे ना स्क्रीन गार्ड लगा हुआ है, तब भी काफ़ी इजीली वर्क हो रहा है, ठीक है, कोई इशू नहीं हो रहा। जैसा कि आपने देखा कि दोनों टैब्स पे काफ़ी स्मूथ वर्क कर रही है ये स्टाइलस। सो जिन लोगों के पास भी Xiaomi Pad 5 या Xiaomi Pad 6 है और एक अल्टरनेटिव स्टाइलस ढूंढ रहे हैं, वो ओरिजिनल स्टाइलस नहीं मंगवा सकते या उनके पास अभी नहीं है, तो वो इस ये वाला जो स्टाइलस मैंने आपको बताया Dymokini P3 Pro करके इसका नाम है, तो ये वाला स्टाइलस वो मंगवा सकते हैं। स्टाइलस के बारे में कुछ चीज़ें आपको बता दूँ कि इसमें पाम रिजेक्शन आपको ग्लव्स के साथ मिल जाएगी, ये चीप प्राइस है, आपको 1300 to 1500 की प्राइस रेंज में आपको मिल जाएगा, अमेजोन पे अवेलेबल है, एंड इसकी बिल्ड क्वालिटी भी ठीक ठाक है, बैटरी अप बैकअप भी अच्छा खासा दे देता है, एंड इसमें टाइप सी चार्जिंग आपको मिल जाती है। तो जब भी आप ये वाला स्टाइलस यूज़ करोगे, अगर आप एम आई नोट्स की ऐप यूज़ कर रहे हो तो उसमें आपको 3 डॉट पे क्लिक करके जो ड्रॉ विथ फिंगर्स का ऑप्शन है उसको इनेबल कर देना है, तब जाके ये आपका स्टाइलस है जो एम आई नोट्स की ऐप में आपको वर्क करेगा। एंड अगर आपके पास बाकी नोट्स की ऐप है और उनमें एक ऑप्शन करके आता है स्टाइलस पेन मोड, तो उसको आपने ऑफ कर देना है, तब जाके ये उसमें भी वर्क करेगा। तो सारी नोट्स की जो भी ऐप हैं जो आप यूज़ कर रहे हो उनमें काफ़ी अच्छे से ये वर्क करता है। एंड कभी कभी अगर आपको लगे कि थोड़ा सा लैग हो रहा है, तो तब आपने क्या करना है, आपके जो टैब है उसके बैक पे जो कैमरा है वहाँ पे अपने एक अपनी एक फिंगर प्रेस करनी है, और अगर तब आप अपना लिखना चालू करोगे तो ये लैग नहीं करेगा, अच्छे से वर्क करेगा। थोड़ा सा कोई थोड़ा सा इशू कभी कभी लैग देता है। 1-1.5 महीने पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी Xiaomi Pad 5 पे, जब मैंने स्टाइलस का रिव्यू किया था, तो उस वीडियो के नीचे बहुत सारों ने ये कमेंट किया था कि उन्होंने ये स्टाइलस मंगाया पर उनका ये जो स्टाइलस है उनके Xiaomi Pad 5 और Xiaomi Pad 6 पे वर्क नहीं कर रहा।
तो आई होप कि उनका जो डाउट आप क्लियर हो गया होगा, मैंने आपको बताया कि जो ऑप्शन आपको इनेबल करना है तब जाके ये वर्क तो करेगा। बस यार आज की वीडियो में इतना ही। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। मैं मिलूंगा आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।